हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक ही बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। कुछ फैक्ट्स भी बताऊंगा और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों, जापान, भारत से जापान की कितनी दूरी है? तो 5956 किलोमीटर दोस्तों, 5956 किलोमीटर। भारत से ऑस्ट्रेलिया की दूरी कितनी है? तो 7809 किलोमीटर दोस्तों। इसके बाद भारत से साउथ कोरिया की कितनी दूरी है? तो 5014 किलोमीटर, 5014 किलोमीटर। इसके बाद भारत से इंग्लैंड की दूरी कितनी है? तो 7197 किलोमीटर, 7197 किलोमीटर। भारत से दुबई की कितनी दूरी है? तो 2475 किलोमीटर, 2400। भारत से अमेरिका की दूरी कितनी है? तो 13595 किलोमीटर, 13595 किलोमीटर। प्यार से जुड़े कुछ साइकोलॉजी फैक्ट्स बताते हैं, आइए जानते हैं इसको हम। शोधकर्ताओं ने ब्रेन स्कैन में पाया कि ब्रेकअप से बाहर निकलना किसी ड्रग्स एडिक्शंस से बाहर निकलने के समान है दोस्तों, किसी ड्रग्स एडिक्शन से बाहर निकलने के समान है ब्रेकअप होने के बाद। उसके बाद देखिए, प्रेम शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द लुभवती से हुई है, जिसका अर्थ होता है इच्छा, इच्छा प्रकट करना, इच्छा, अपनी इच्छा दूसरों के प्रति रखना। और देखते हैं, इसके बाद देखते हैं, कुछ रिसर्च के अनुसार जब लोग एक दूसरे से प्यार में होते हैं, प्यार करते हैं, तो एक दूसरे की आंखों में देखने के महज 3 मिनट में उनका दिल एक साथ धड़कने लगता है दोस्तों। आई कांटेक्ट बनाने पर 3 मिनट एक साथ धड़कने लगता है। किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसे हम प्यार करते हैं, उसे गले लगने पर हम राहत महसूस करते हैं। ऐसा ऑक्सीटोसिन नाम के हार्मोन्स की वजह से होता है, जो गले लगने के दौरान हमारे शरीर में एक्टिव रहता है। दो प्यार करने वाले लोगों की पसंद नापसंद धीरे धीरे समान होने लगती है दोस्तों। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो हमें प्यार करता है, तो हम उस व्यक्ति और काम काज से प्रभावित महसूस करने लगते हैं, मतलब इफ़ेक्ट हमारे ऊपर पड़ने लगता है। उसके बाद जब हम किसी के साथ कैजुअल रिलेशनशिप रखते हैं, तो हम उसके शरीर सौष्ठव से प्रभावित होते हैं। लेकिन जब हम बात लंबे समय तक संबंध निभाने की होती है, तो साथी का व्यक्तित्व ज़्यादा मायने रखता है दोस्तों, साथी का व्यक्तित्व ज़्यादा मायने रखता है। इसके बाद देखते हैं, कुछ लोग कभी प्यार का एहसास नहीं कर पाते हैं। इस रोग को हाइपोपी टूरिज्म कहते हैं। इस रोग में व्यक्ति प्यार के भाव को समझने की क्षमता खो देता है, इस भाव को प्यार की क्षमता खो देता है। इसके बाद देखते हैं, वैसे कपल जिनकी बहुत सारी आदतें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, उनका रिलेशनशिप ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है दोस्तों। जो बहुत ज़्यादा घुल मिल जाते हैं, उनका टिकता नहीं। आइए कुछ क्वेश्चन महत्वपूर्ण जान लेते हैं। द्रव्य धातु कौन सी होती है? तो मरकरी। द्रव्य धातु कौन सी होती है? तो ब्रोमीन। सबसे हल्का धातु कौन सी है? तो हाइड्रोजन। सबसे हल्की धातु लिथियम। सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो हीलियम। सबसे भारी तत्व ओसीमियम। सबसे अधिक अधातु तत्व कौन है? क्लोरीन। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन। सबसे अक्रिय गैस और डल झील के बारे में कुछ जानते हैं। डल झील जम्मू कश्मीर में, बुलर झील जम्मू कश्मीर में, वैरी गान झील जम्मू कश्मीर में, मानस बल झील जो जम्मू कश्मीर में, नगीन झील जम्मू कश्मीर में, शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में, अनंतनाग झील जो है जम्मू कश्मीर में। उसके बाद राजसमंद झील जो है राजस्थान में, पिछौला झील जो है राजस्थान में। इतनी सारी जो झीलें हैं वो राजस्थान में हैं, और ऊपर की जितनी हैं सब जो है जम्मू कश्मीर में। इसके बाद देखते हैं कुछ बीजगणित में ट्रिक जो सवाल आते हैं। एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर ए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा? तो इसका ट्रिक होता है कि हम ए टू माइनस टू लगाते हैं। इसी तरीके से जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप ट्रिक के माध्यम से समझ लीजिएगा, उसको यूज कर सकते हैं सवाल में। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स,
कि आपको, आई होप कि आपको यह वीडियो समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।